मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग फिर आज के वीडियो में हम लोग साइंस के इलेक्ट्रिसिटी से एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझे, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके विषय में हम लोग अगर समझें तो देखा जाए, एक कोई आवेशित वस्तु जिसमें कोई चार्ज होती है तो उसका प्रभाव कुछ दूर तक रहता है, अपने चारों ओर कुछ दूर तक प्रभाव रखता है। तो जो इसका प्रभाव जितना दूर तक रहता है उसका एक क्षेत्र बन जाता है, और ये क्षेत्र चारों ओर होता है इस वस्तु के चारों ओर। मान लीजिए ये एक आवेशित वस्तु है, ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के चारों ओर जो फील्ड बन रहा है उसके आवेश के चलते एक जो फील्ड बन रहा है, और उस फील्ड तक वो किसी दूसरे आवेशित वस्तु को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उस पर कोई बल लगाएगा, तो उस फील्ड को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र समझ गएंगे, मतलब आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वस्तु दूसरे किसी आवेशित वस्तु पर कोई बल लगाता है या किसी तरह का प्रभाव डालता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या है, कौन सी राशि है, तो एक समझेंगे, ये एक सदिश राशि होता है, ये सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है एक होती है। अब ये जितना जो बल लगाता है किसी इकाई आवेश पर उसका बल का ही हम लोग कहते हैं इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जितना बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तीव्रता क्या होगी, तो जितना बल लगाएगा किसी आवेशित वस्तु पर तो उतना बल और उस आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर ई से सूचित करेंगे, और ये होगा बल बटा आवेश, बल बटा आवेश, कितना बल लगाएगा कितना आवेश पर, इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर पूछा जाए इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, क्योंकि बल का एक दिशा होगी, इसलिए दिशा में एक निश्चित दिशा में बल कार्य करता है, इसलिए यह एक विद्युत, यह एक सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे मात्रक बराबर बल बटा आवेश यानी न्यूटन बटा कूलाम, इसका मतलब होगा न्यूटन बटा कूलाम। इसका मात्रक अगर पूछा जाए कहेंगे न्यूटन बटा कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, ये इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे। अब हम लोग थोड़ा आते हैं पोटेंशियल पर, विभव पर, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। पोटेंशियल, पोटेंशियल ये विभव क्या है, सिंपली अभी यहाँ पर अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज पार्टिकल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग इसका प्रभाव है, दूर में यहाँ पर प्रभाव कुछ कम होगा, यहाँ पर प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा, अलग 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 बिंदुओं पर। और किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके एक यूनिट पर इकाई एक कूलाम का आवेश का ये बाहर कर रखते हैं, उस आवेश को अगर हमको इस फील्ड के अंदर लाना है और किसी बिंदु पर लाना है, चाहे यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है, किसी बिंदु पर लाना है, तो हमें कोई कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य की जो परिमाण होता है, जो मात्रा होता है, उसे कहा जाता है उस बिंदु का विभव। जिस बिंदु पर लाते हैं वहाँ तक जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य के परिमाण को, उस कार्य की मात्रा को ही कहा जाता है उस बिंदु का विभव। ओके, तो ये अलग अलग पॉइंट पर विभव भी अलग अलग होता है, जैसे अगर किनारे पर यहाँ पर अलग विभव होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस बिंदु तक किसी इकाई आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है उसे कहा जाता है विभव। अब समझा जाए, जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई ना कोई इसका
कोई ना कोई इसका पोटेंशियल होता है, कोई ना कोई कारण पड़ता है या कोई ना कोई आवेश होता है। इसका हम बाहर जाएंगे तो इसका कोई आवेश नहीं होता है, तो इधर का इसका जो विभव होता है इधर जीरो होता है, इधर ही कुछ विभव होगा, इधर यहाँ कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, जब अंदर जाएंगे तभी कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए बाहर के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, जो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के बाहर को क्षेत्र को कहेंगे अनंत क्षेत्र, और इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बाहर का भाग को हम कहेंगे अनंत क्षेत्र। तो हम लोग कहते हैं किसी इकाई धन आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। बस एक भाषा में, किसी इकाई धन आवेश को अनंत क्षेत्र से उसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभव कहा जाता है। अब इसको देखिए, किसी इकाई धन आवेश को मान ले चलते हैं, यहाँ पर एक इकाई धन आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है, को अनंत क्षेत्र से, जो है विद्युत क्षेत्र से बाहर जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, उसको अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु तक जहाँ पर लाना है आपको, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, मान लीजिए इस बिंदु तक लाते हैं, तो इस बिंदु तक हम लाए, इस बिंदु तक लाने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ता है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभव कहते थे, इस बिंदु का विभव कहेंगे, यहाँ तक लाएंगे तो इस विभव कहेंगे, यहाँ तक लाएंगे तो इस बिंदु का विभव कहेंगे, यानी अलग अलग पॉइंट के लिए विभव अलग अलग होगा। तो इसको विभव क्या है, एक प्रकार के विभव के विषय में जानेंगे, कौन राशि है, तो विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि ये एक वर्क डन है, इसलिए ये वर्क कार्य जो होता है वो अदिश राशि होती है, तो ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट दिया जाता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये वोल्ट साहब के नाम पर रखा गया, वोल्ट इसे भी से सूचित करते हैं वोल्ट। इसको अगर कहें जाए तो विभव बराबर हम लोग कहें परिभाषा फार्मूला के आधार पर, क्या फार्मूला निकलेगा, तो परिभाषा से एक ही फार्मूला लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, किसके लिए, आवेश के लिए, तो ज़्यादा आवेश लाना होगा, ज़्यादा कार्य या कम आवेश, तो इस तरह से जो भी हमको करना पड़ेगा, तो कितना कार्य कितना आवेश के लिए करना पड़ रहा है, कितना कार्य कितना आवेश के लिए करना पड़ रहा है, उसी को कहते हैं विभव। ये हो गया इसका विभव का फार्मूला, या इसको हम लोग कह सकते हैं वोल्ट, इसको अगर कहें वोल्ट बराबर, इसको अगर वोल्ट मानते हैं तो हमको निकलेगा कार्य के लिए क्या मानते हैं डब, अगर इसको वी बराबर सीधे वोल्ट को विभव से भी हम सूचित करते हैं, वी बराबर हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं डब्ल्यू बटा सी क्यू, ये हो सकता है फार्मूला एक, ठीक है, ओके, या डब्ल्यू बराबर कह सकते हैं वी इंटू क्यू, अगर कार्य कितना किया जाता है तो वी इंटू क्यू, जहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर हमारा एक दो चीज़ है, W जो है वर्क डन है, कार्य है, यहाँ पर Q है चार्ज है, आवेश है, और V है विभव है। तो किसी विभव से विभव को निकालना हो तो कितना कार्य किया गया, कितना कोलाम के लिए, इसका भागफल को हम कहेंगे विभव, या फिर कार्य कितना करना पड़ता है तो विभव और उसके आवेश को गुना कर दीजिए, है ना, कार्य कितना करता है तो विभव और आवेश को गुना कर दीजिए, वो हो जाएगा हमारा कार्य कितना करना पड़ता है वो निकल जाएगा। इस तरह से आवेश के लिए भी अगर डब्ल्यू बटा भी कर दें तो आवेश निकल जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं, आते हैं उस पर, लेकिन उसके पहले हम लोग समझें कि इसका अगर विभव को मात्रक में बदला जाए कार्य बटा आवेश को, तो एक हम लोग और कर सकते हैं कार्य का जूल कर सकते हैं, इसको आवेश को कुलाम कर सकते हैं, तो इसका मात्रक एक और हो सकता है वोल्ट का, वोल्ट बराबर जूल प्रति कुलाम, तो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, मात्रक होता है वोल्ट, इसको भी से ही सूचित करते हैं, और वोल्ट बराबर हम कह सकते हैं क्या होता है, तो वोल्ट बराबर हो सकता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या हम लोग लिखते हैं भी बराबर जे
प्रतीक गुलाम ऐसा भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक विभव को एक छोटा सा उदाहरण से समझ लिया जाए क्या है। जैसे देखिए यदि लिखा जाए यदि विभवांतर 4 वोल्ट है तथा 24 वोल्ट कर दीजिए, 24 वोल्ट है तथा 4 कूलम आवेश को ढोया जाता है, तो कार्य ज्ञात करें, ऐसा है कि अगर 4 कूलम 24 वोल्ट में 4 कूलम आवेश को गतिमान किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है ना, पोटेंशियल बैटरी का डिफरेंस जो है आपका 24 वोल्ट है और उसमें कितना आवेश बह रहा है, 4 कूलम आवेश बह रहा है, तो कितना कार्य हो रहा है। एक परिपथ में 24 वोल्ट है और 4 कूलम आवेश बह रहा है तो कितना कार्य हो रहा है, तो इसको कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर अब कार्य मतलब यहाँ पर समझेंगे हम लोग क्या। तो जैसे अभी एक फार्मूला पर अभी हम लोग देखे थे वी बराबर बोले थे डब्ल्यू बटा क्यू, यहाँ पर बोले थे कि जो विभव होता है आवेश कार्य बटा आवेश होता है, इसी फार्मूला को हम लोग ये उपयोग करेंगे और यहाँ पर करेंगे डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, इसलिए ये हमारा हो जाएगा कार्य बराबर कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज है 24 और आवेश है गुना 4, तो इसलिए डब्ल्यू बराबर होगा 24 × 4 बराबर 96 जूल आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से आवेश को आपको निकालना तो निकाल लेंगे, वोल्ट को निकालना हो तो निकाल, कुछ भी दे दे तो निकाल लेंगे, तीन फार्मूला का उपयोग हम लोग इस माध्यम से तीनों का निकालने में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक विभवांतर को समझते हैं, विभवांतर क्या है, एक होता है विभवांतर, इसको समझा जाए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए नाम ही है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको अंतर का बात करेंगे हम यहाँ पर। जैसे अलग अलग बिंदु का विभव, अलग अलग विभव तो उस बिंदु के लिए हम बोलते हैं, लेकिन जब दो बिंदुओं के बीच का विभव में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर, उसे कहते हैं विभवांतर। सिंपल बात है, तो किसी दो बिंदु के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसमें सिंपल बात है, विभवांतर कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज समझना है, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, की ओर बहती है। आपसे ये समझना है कि हमेशा जो धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अगर विभव बराबर हो जाए दोनों जगह का तो धारा नहीं बढ़ेगा। जैसे दो बिंदु है तो दो बिंदु में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सिंपल इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, जैसे इस तरह से हम ले लिए एक प्लेन, यहाँ पर 2 गिलास ले लिए और इसमें हम दोनों में पानी भर दिए, यहाँ पर 1 गिलास है, यहाँ पर 1 गिलास है और इसको एक पाइप से जोड़ दिए और दोनों में पानी बराबर लेवल का है, मानकर चलिए दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पर हम दोनों बराबर है, अब पानी कहेंगे कि भाई ये पानी किस में जाएगा, किस में जाएगा और किससे आएगा, ये ग्लास ये है, ग्लास बी है। अब यहाँ पर देखिए पानी आना जाना संभव है क्या, इसके इसी पर अगर हमको ये से बी में पानी ले जाना है तो जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल दोनों का बराबर है। तो आप एक यहाँ पर पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा में पढ़ते होंगे, स्थितिज ऊर्जा में पढ़ते हैं mgh, तो यहाँ पर h जिसका ज़्यादा होता है ऊंचाई उसका स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होता है और जिसका कम होता है, तो यहाँ पर दोनों स्थिति ऊर्जा दोनों के बराबर है क्योंकि h दोनों के लिए बराबर है, इसलिए यहाँ गति नहीं करेगा, दोनों का स्थिति ऊर्जा बराबर है, इसका भी स्थिति ऊंचाई वही है, इसका भी ऊंचाई वही है, एम जी एच वही है, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमको पानी ले जाना है तो हमको क्या करना है, इसी चीज़ को अगर हम ऐसा कर दें, एक के लिए हम एक ईटा लगा देते हैं या कोई ऐसा ऊंचा जगह लगा देते हैं, अब एक ग्लास को एक ग्लास को ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है, और दूसरे को ऐसे ही नीचे रहने देते हैं। अब ये देखिए डिफरेंस पैदा हो गया, अब यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो गया, अब इसका जो है जल अभी आप पाइप से हम कनेक्शन कर दें, अब हम पाइप से कनेक्शन कर दें तो यह इसमें हमारा पानी आना शुरू हो जाएगा, इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, इससे पानी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर पानी नहीं जा रहा था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, एच उठाना पड़ा, MGH, देखिए एच उठाना पड़ा, यानी सीधे उदाहरण पड़ा। यहाँ पर से जैसे वहाँ पर भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर हमको धारा चाहिए तो हमारा एक का विभव बढ़ा के रखना पड़ेगा और एक का विभव घटा के रखना पड़ेगा। तो जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक धारा बहेगा नहीं, जैसे ही विभव शून्य हो जाएगा वैसे ही हमारा धारा भी बहना बंद हो जाता है। इसीलिए हमें बैटरी से या सेल से किसी चीज़ से लगा करके हमें इसी तरह से ऊंचा करना पड़ता है, यानी दो बिंदुओं के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना जरूरी है। और इसलिए हम विभवांतर बैटरी या सेल लगाकर विभवांतर को बनाए रखा जाता है, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न करते हैं हम लोग। जो बैटरी लगाते हैं वो क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करते हैं, ये बैटरी लगाता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। अच्छा, विभवांतर मतलब यही है कि मैंने धारा ताकि बहे, इसीलिए विभवांतर जरूरी है, ठीक है। एक विभवांतर रहता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, विभवांतर का भी मात्रक होता है वही सेम चीज़ जो विभव होगा, विभवांतर का मात्रक विभोल्ट ही होगा, क्योंकि ये तो माइनस है केवल दो विभव का, दो विभव का अंतर है, इसलिए मात्रक बराबर वोल्ट ही होगा, इसको अलग से कुछ नहीं है, ये वोल्ट ही होगा, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। विभव विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, ये ध्यान रखना है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है ना, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर जोड़ा जाता है, परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है और एक और याद रखना है, वोल्ट मीटर के अंदर प्रतिरोध उच्च रखा जाता है, उच्च या शब्द कहीं आ जाए अधिकतम तो वो भी आप समझेंगे, अधिकतम रखा जाता है। ये तीन पॉइंट हम बता रहे हैं, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट अगर विभवांतर कहीं मापना है कहीं दो बिंदु को तो हम लोग उसके लिए एक मशीन उपकरण उपयोग करते हैं जिसको नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में से कैसे जोड़ते हैं, तो ये पैरेलल जोड़ते हैं, समांतर जोड़ते हैं, समांतर कैसे जोड़ते हैं देखते हैं हम लोग, जैसे कि इस तरह से जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, इसे एक परिपथ हम कोई चलाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई हमको यहाँ से एक कोई भी यहाँ पर एक उपकरण है, बल्ब है, कहीं एक बल्ब जला दीजिए, उसे हमको मतलब नहीं, जैसे यहाँ पर चलिए एक यहाँ पर एक बल्ब जला दीजिए, कुछ यहाँ पर जल रहा है, तो इस तरह से एक परिपथ पूर्ण हो गया। हमको मान कर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का विभवांतर क्या है, यहाँ से यहाँ के, तो हम यहाँ से एक अलग से कनेक्शन करेंगे, परिपथ बनाएंगे और यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर जोड़ देना पड़ेगा और इस तरह से कनेक्शन करेंगे, इसको कहते हैं समांतर जोड़ना, इस तरह से अलग से ये परिपथ में अलग से इस तरह से इसी के पैरेलल जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ने को कहते हैं समांतर जोड़ना, तो समांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर के अंदर प्रतिरोध अधिकतम रखते हैं, इसके अंदर जो क्वाइल रहेंगे, इसके अंदर जो तार रहते हैं वो उच्च प्रतिरोध के तार रहेंगे, उच्च प्रतिरोध के तार रहेंगे ताकि धारा इसमें ना प्रवाहित हो सके, उसी में बहते रहे, नहीं तो कम प्रतिरोध रहेगा तो धारा इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए धारा को उसी के अंदर जाता रहे, एक से केवल काम है वोल्टेज को मापना, केवल वोल्टेज को मापने के लिए इसके अंदर का प्रतिरोध उच्च रखा जाता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग विभवांतर को समझे, विभवांतर को समझने के बाद आप विद्युत धारा को आराम से समझ सकते हैं, तो आप विद्युत धारा समझिए, आइए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का नाम तो हम रोज़ सुनते रहते हैं, है ना, ये हमारे जीवन के लिए आजकल जरूरी चीज़ें हो गया, 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक गई कि करंट गया कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा एक प्रकार का कहा जाए तो हम लोग पहले भी देख रहे थे कि इसके अंदर आवेश बहता है, आवेश में क्या बहता है तो इलेक्ट्रॉन बहता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो बहना है, इलेक्ट्रिक करंट जो बहता है उसमें क्या बहता है तो देखा जाए उसमें इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है तो मतलब क्या बहता है, आवेश बहता है, ठीक है। लेकिन एक समझने की बात है कि ये बहता उसी के नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितने टाइम में कितने करंट बहेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इकाई समय में
आवेश के बहने के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे इकाई समय में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ओके, तो ये विद्युत धारा मतलब क्या हुआ, इसको ये इकाई समय में कितना आवेश बह रहा है। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसको ये ऐसा भी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहा जाता है, यह भी कह सकते हैं आप धारा कहा जाता है। ये समझ लीजिएगा, आप जानते होंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन बहता है, तो हमको लिखा है तो 1 कूलम में 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश बह रहा है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है। दो कूलम जा रहा है तो इसका मतलब दुगुना इसका इलेक्ट्रॉन बहेगा। तीन कूलम मतलब इसका तीन गुना। तो इसलिए से एक प्रकार से इसको आप इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कह सकते हैं या इसको आवेश का प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से दोनों एक ही बात है, लेकिन हम लोग आवेश के प्रवाह के नाम से ही ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन समझना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। ठीक है, तो इसके परिभाषा से हम लोग इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो परिभाषा से एक समीकरण निकलता है, ये होता है विद्युत धारा बराबर हम कह सकते हैं क्या, आवेश बटा समय, क्योंकि आवेश का बहाव प्रति इकाई समय में, इसलिए आवेश बटा समय, या हम कह सकते हैं इसको विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से। ठीक है, तो आई बराबर होता है क्यू बटा टी, इसको शॉर्ट में आवेश हो गया, ये आवेश के लिए क्यू और समय के लिए टी। ये फार्मूला जो है काफ़ी काम का फार्मूला है, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अगर हमको कूलम आई बराबर क्या हो गया भाई, आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, आई बराबर धारा, विद्युत धारा। ओके, कहीं भी याद रखना है आई बराबर विद्युत धारा, जब भी विद्युत धारा को सूचित करना है तो आई सूचित करते हैं। क्यू बराबर आवेश और टी बराबर समय, ये से याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ होता है कि आवेश जो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं, इसका मात्रक क्या है विद्युत धारा का, तो मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। ये बहुत बार हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसको किसे सूचित करते हैं, ये से सूचित करते हैं, बड़ा ये से सूचित करते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसे ये से सूचित करते हैं। अगर आपको एम्पियर नहीं रहे तो विद्युत धारा का और मात्रक, तो एम्पियर बराबर क्या हो सकता है आप बताइए, दूसरा क्या हो सकता है एम्पियर बराबर, एम्पियर को ये से सूचित करते हैं, इसका बराबर क्या हो सकता है, तो आवेश कभी कभी एम्पियर बराबर, देखिए आज विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इसका मात्रक क्या हो सकता है, ये Q बटा T को ही लिखा गया एम्पियर, तो Q मतलब कूलम, Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलम प्रति समय है सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर, इसको लिख सकते हैं ये बराबर क्या हो सकता है, चॉइस में आ सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं आवेश को, एम्पियर को। ओके, कभी कभी आपका घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आवेश कैसे कहते निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का मात्रक है, आप एम्पियर ढूंढेंगे नहीं रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा कूलम प्रति सेकेंड, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, ऐसा ही कभी कभी आजकल घुमा कर पूछा जा रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, तो ये विद्युत धारा के विषय में थोड़ा सा और जानना है। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा एक शब्द होता है आमीटर, उपकरण है, आमीटर से मापा जाता है ठीक है, विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है, और ये इसका विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। आमीटर में क्या है, आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो वहाँ पर अभी हम लोग वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते थे, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल जोड़ते थे समानांतर में, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कि
क्योंकि ये जोड़ना है जब श्रेणी क्रम में, तो इसलिए इसको प्रतिरोध भी कम रखना पड़ता है। तो एमीटर के अंदर प्रतिरोध न्यूनतम रखा जाता है, प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है, निम्न रखा जाता है, न्यूनतम मतलब शब्द यहाँ पर हम डाल रहे हैं, न्यूनतम रखा जाता है। ठीक है, जितना कम रखे उतना बढ़िया प्रतिरोध एमीटर काम करेगा, जितना प्रतिरोध कम रहेगा उतना बढ़िया एमीटर रहेगा। अगर शून्य प्रतिरोध हो सके तो सबसे आदर्श प्रतिरोध एमीटर हो जाए, लेकिन किसी चीज़ में शून्य होता नहीं है। तो ये आपका ध्यान रखना है कि जितना कम रहना चाहिए। अब इसको समझिए कैसे रखें, जैसे यहाँ पर एक परिपथ है, एक बैटरी है, हमको अगर किसी का धारा जोड़ना है, यहाँ हमको जाना है कि कितना करंट इसमें बह रहा है, 24 वोल्ट है, कुछ भी है, हमको इसे मतलब नहीं, यहाँ पर हमको जाना है कि ये कैसे इसमें कितना धारा बह रहा है, तो हमको बीच में काट करके इसके बीच में हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दिए और ये हमारा बीच में लगा रहेगा एमीटर, इस तरह से जोड़ेंगे, यानी उसी के अंदर पथ में डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये हो गया श्रेणी क्रम, इस तरह से परिपथ में कहीं भी जोड़ेंगे तो ये हो गया श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वहाँ पर क्या करते थे, अलग से जोड़ते थे, वो होता है समानांतर क्रम। जब वोल्टमीटर को जोड़ना होता है तो वहाँ पर हम अलग से जोड़ते हैं, इसको उसी के अंदर जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम और प्रतिरोध शून्य है, इसके अंदर से धारा सब का सब जाएगा और सभी धारा का मापन कर पाएगा, इसलिए इसके अंदर जितना प्रतिरोध कम रखेंगे उतना अधिक शुद्धता देगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो शुद्धता कम रहेगी। ओके, विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं हम थोड़ा। विद्युत धारा की दिशा अगर पूछा जाए विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ पर दिशा होने का मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर इधर से बढ़ा तो हम मानेंगे विद्युत धारा इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, दिशा कम लेकर घबराएंगे नहीं, विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा यहाँ दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कभी इसको सदिश राशि न मानेंगे, क्योंकि यह दिशा सिर्फ बताता है कि हम लोग के इलेक्ट्रॉन के हम के तार के किस छोर से मानेंगे, हमें लगे ये कोई दिशा निश्चित नहीं होती इसकी, ये केवल मात्रा होती है, कूलाम का मात्रा होता है कि एक सेकंड में कितना कूलाम बहा प्रति कूलाम, तो ये मात्रा से हम बात करते हैं। इसलिए यहाँ दिशा का खाली हमको दिखाना था कि तार के किस एंड से किस ओर जा रहा है, तो यहाँ पर दिशा से मतलब यहाँ सदिश नहीं मान लीजिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको याद रखना है कि अदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला क्या हम लोग लिखे थे, आई बराबर क्यू बटा टी लिखे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर कई फॉर्मूला बनते हैं, यानी इसको हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी, ये काफ़ी दोनों महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यानी इसको हम कह सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, एक फॉर्मूला ये हो गया, या कह सकते हैं आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, ये दोनों महत्वपूर्ण है आपका, बार बार इससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आते रहते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय इसको लिखते हैं आई बराबर क्यू बटा टी, और आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय बराबर इसको लिखते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी, और टाइम भी निकालना तो आप कह सकते हैं टी बराबर क्यू बटा आई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको कुछ एक छोटे मोटे कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। अगर हम कहें कि क्वेश्चन है, एक समझिए, जैसे 3 एम्पीयर 3 कूलाम आवेश 10 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा बराबर क्या, 3 कूलाम आवेश 10 सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बराबर क्या, तो हम क्या फॉर्मूला करेंगे, आई बराबर क्यू बटा टी, और आई ये हमारा क्लियर हो गया, आई हमको कितना है, तो हम 3 बटा 3 कूलाम आवेश है, क्यू का मान हो गया 3 बटा 10 बराबर हो जाएगा 0.3 एम्पीयर आंसर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे।
अगर दूसरा क्वेश्चन हम कहें लिखें कि अगर 2 एम्पियर धारा 2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है तो कुल आवेश ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कुल आवेश ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए Q बराबर आवेश पूछा रहा है, इसलिए आवेश और Q बराबर I इंटू टी करिए, है ना। और I इंटू टी, अब I कितना है आपके पास दिखा है 2 एम्पियर धारा, तो 2 गुने कितना मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट को किस में बदलेंगे, समय, हमेशा आप समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में। तो 2 गुने 10 मिनट के लिए करेंगे 10 गुने और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 10 गुने 60 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 का 6 दुना 12 और यहाँ पर सुना हो जाएगा तो 1200 कूलाम, 2 है कूलाम सुना, 1200 कूलाम आंसर, 1200 कूलाम आंसर, है ना। तो इस तरह से आपका छोटे मोटे प्रश्न आते ही रहते हैं, इसको आप सॉल्व करने के लिए इसी माध्यम से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं इसको वीडियो को, और इसके बाद हम लोग थोड़ा ओम का नियम समझना है और धारा का प्रकार वगैरह देखना है, तो अगले वीडियो में देखा जाएगा। आप ऐसे ही वीडियो को निरंतर देखते रहिए, जिससे आपका क्रम से ही फिजिक्स के प्रत्येक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और इसे न्यूमेरिकल्स जो भी देते हैं उसे बनाइए, प्लस आप अपने प्रैक्टिस सेट से भी बनाइए। जो भी दिक्कत कहीं फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डालिए, यहाँ से हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है। आप लोग इसको जो भी अपने स्तर से कुछ सुझाव देना चाहते हैं बेहतर से, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए। पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे आपको हम भी एक अच्छे उत्साह से वीडियो को डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू आपको वीडियो वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।